अच्छा, वीबीटी वाले में से आपको फिफ्थ वाला और पोस्टीरियर समझ नहीं आ रहा था। यस मैम। ठीक है, अभी हम सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो नवाल, सॉरी इमाल, मैं अभी नवाल को पढ़ के पा रही हूँ तो फिर वो नवाल नवाला याद आ रहा है। अच्छा देखिए ईमान, असल में ये है कि आपके जो दो एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे ना, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि दैट वीबीटी के मुताबिक वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे उनके ऑर्बिटल्स, ठीक है, और उस यस जगह मैम। पे इनके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। नाउ जब ये ओवरलैप वाली कंडीशन में मौजूद है ना, ठीक है, इस कंडीशन में मौजूद है, तो देखो एक का न्यूक्लियस यहाँ है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस यहाँ है, क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब ये जो एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर लूँ ना, जो कि इन दोनों के न्यूक्लियस को जोड़ रही है, तो ये जो लाइन है जो कि इन दोनों के न्यूक्लियस को जोड़ेगी, उसे हम बॉन्ड एक्सिस कहेंगे, ओके मैम। क्लियर? यस मैम। अब हम बॉन्ड एक्सिस के हिसाब से देखते हैं कि किस तरह का ऑर्बिटल है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बॉन्ड एक्सिस के बीच लाई करती है, ऊपर लाई करती है, नीचे लाई करती है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कहाँ लाई करती है, ठीक है। अभी मैं आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड समझाऊंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ओके? यस मैम। नवाल स्टार्ट, सॉरी मान स्टार्ट करें, यस मैम। अगर प्लीज डोंट माइंड, ऐसे मैं अभी अभी मैं उसको बार बार नवाल बोल के ना, वो फिर वही चीज कोई चढ़ी बात गई। नहीं, ओके कोई बात नहीं। अच्छा, ये कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, चलें इसको रीड आउट करना स्टार्ट करें ईमान, फिर उसके बाद हम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सिग्मा बॉन्ड। एनी फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय हेड ऑन ओवरलैप इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इन अ अच्छा सिग्मा एक बॉन्ड एक द पॉइंट रीजन समझते ऑफ। हैं, ठीक है, एक एक ओके पॉइंट मैम। करके समझेंगे ना तो इजीली आपको आ जाएगा। ये आपका ओके फर्स्ट मैम। पॉइंट बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि दैट ये फर्स्ट एवर बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के बीच फॉर्म होगा, ठीक है, क्या होगा कि जब भी दो एटम्स, चाहे वो कार्बन कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इन तमाम एटम्स के बीच, किसी भी दो एटम्स के बीच जो पहला बॉन्ड फॉर्म होगा ना, दैट इज नोन एज द सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड को कैसे इंडिकेट किया जाता है, ऐसे इस तरह से, ये जो जिस तरह लिखा हुआ है ना, ये इसका सिंबल है, ठीक है, दिस इज नोन एज द सिग्मा बॉन्ड, क्लियर? यस मैम। फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया कि इट इज द फर्स्ट एवर बॉन्ड। सेकंड चीज क्या है कि हमने बहुत डिटेल में मैंने आपको पोस्टीरियर्स और वीबीटी में पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि दैट जो हमारे पास पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बीच जो उनके बीच ही असल में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, कंप्लीटली फिल्ड के बीच बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, है ना? तो यस इस वाले मैम। पॉइंट को समझने के लिए वो वाला लेक्चर आप दोबारा देख लीजिएगा आपको, क्योंकि अगर वो दोबारा मैंने एक्सप्लेन किया तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा आपका। अच्छा ओके मैम। अब क्या है कि दैट जब हेड ऑन ओवरलैप हो जाती है ना ऑर्बिटल्स की, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल यू नो हेड टू हेड आके जो ओवरलैप करते हैं, तो इस तरह के बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। हेड ऑन ओवरलैप क्या है कि एक सपोजिट शेप का दूसरा भी शेप का दोनों ही क्या है, वो इस तरीके से कंबाइन हो जाए, इसको हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं, ठीक है, यस मैम। दोनों के ही समझ लो हेड्स। अब जैसे देख लो ये कौन सा एस बॉन्ड था, एस ऑर्बिटल था, ये एस ऑर्बिटल था, ये दोनों ही ओवरलैप हुए हैं तो इनके बीच इस तरह का बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब देखो इनके कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं है ना, ठीक है, तो ये हेड ऑन ओवरलैप है। यहाँ पे देखो एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल का हेड ये देखो, दिस इज द हेड, ये दोनों हेड्स हैं पी ऑर्बिटल के, और ये जो साइड वाली जगह है ये साइड्स हैं इस पी ऑर्बिटल की, ओके मैम। समझ आ रही है? अगर यस मैम। आपकी ये साइड्स ओवरलैप करेंगी, एक के ऊपर दूसरी ओवरलैप करेगी, तो ये क्या कहलाएगा, साइड वाइज ओवरलैप। ईमान के साथ साथ नोट डाउन करते चल जाओ। लेकिन अगर आपका आके कोई चीज यस ओवरलैप करेगी फ्रॉम द हेड,
तो वो हेड ओवरलैप होगा। मैम इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, इसको इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी डेफिनेशन मत लिखो, आप सिर्फ और सिर्फ ये ठीक पाई बॉन्ड ड्रॉ करो। पाई बॉन्ड आप यहाँ पे हाईलाइट करो कि दिस इज द हेड, दिस इज द हेड, जिस तरह डायग्राम की हम लेबलिंग करते हैं, इसको मार्क करो साइड साइड, ठीक है। फिर आप यूं करो कि अगर ये साइड्स, एक साइड को मैं दूसरी साइड के ऊपर यूं ओवरलैप करूंगी तो वो साइड वाइज ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस हेड्स को, चलो इसको भी छोड़ो, एस को छोड़ दो, पाई ड्रॉ करते हैं, अगर मैं इनके हेड्स को ओवरलैप करूंगी एक दूसरे के ऊपर तो ये हेड ऑन ओवरलैप बनेगा। ये देखो यहाँ पे हेड्स की ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, ये देखो, जबकि यहाँ पे क्या है, साइड्स की ओवरलैपिंग है। तो इस वाले को हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं और इस वाले को साइड वाइज ओवरलैप कहते हैं। क्लियर? मैम आपने नोट डाउन कर लिया ना ईमान? यस मैम ओके चले आगे पढ़ें। In a sigma bond, the region of highest electron density is symmetrically distributed around the bond axis. The probability of finding the electron is maximum in the region between the two nuclei. The first bond formed between any two atoms बस is एक the मिनट यहाँ पे sigma रुक जाओ bond. ना ईमान, न्यूक्लियाई तक रुक जाओ। उन्हें आपको क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वो कहाँ होगी? वो होगी देखो यहाँ पे बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस ये रहे दोनों और इनके बीच देखो ओवरलैपिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑटोमेटिकली कहाँ है? बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, राइट, है ना? वो ये वाला पॉइंट था। इस वजह से जब भी आपको फाइंड आउट करना कि भाई एस एस ओवरलैप हुआ है या एस पी या पी एक्स ओवरलैप हुआ है, ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? बिटवीन द न्यूक्लियस होगी, सॉरी बिटवीन द न्यूक्लियाई होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली असल में बिटवीन द न्यूक्लियाई वाली कौन सी जगह थी ईमान? बॉन्ड एक्सिस वाली जगह थी, राइट। यस मैम तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉन्ड एक्सिस वाली लाइन, समझ आ गई? यस मैम ठीक है, अब देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा है, इट इज द फर्स्ट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है? फर्स्ट एटम है, सॉरी फर्स्ट बॉन्ड है जो कि दो एटम्स के बीच फॉर्म होता है। ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड्स कहलाते हैं। यस मैम और ये जो सिग्मा बॉन्ड्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं ना सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान, इनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ओके मैम ठीक है। अब यहाँ पे आपको तीन तरह की ओवरलैपिंग दिखाई गई है। जब देखो एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वो हेड ऑन ओवरलैप होगा, एस ऑर्बिटल अगर पी के यस हेड के साथ ओवरलैप करता है तो भी ये हेड ऑन ओवरलैप होगा, और अगर दो पी ऑर्बिटल्स चाहे वो पी एक्स हैं पी वाई हैं पी जी हैं वो उनका हेड हेड ओवरलैप करता है तो भी ये हेड ऑन ओवरलैप होगा, और हेड ऑन ओवरलैप का क्या नाम है? सिग्मा बॉन्ड है, यस राइट। मैम सिग्मा बॉन्ड वाले यस टॉपिक को एक मैम दफा खुद रीड आउट यस करो, मैम कोई चीज जो नहीं समझ आई मुझसे पूछो। हम क्लियर ओके पाई ओके पाई बॉन्ड की तरफ आ जाए। ओके मैम रीडिंग करूं श्योर। पाई बॉन्ड अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू ऑलरेडी सिग्मा बॉन्डेड एटम्स बाय द साइड वाइज ओवरलैप ऑफ देयर टू हाफ्स फिल्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटल हुज एक्सिस आर पैरेलल इन इज कॉल्ड अ पाई बॉन्ड अब देखो क्या है पाई बॉन्ड, क्या है बच्चे के सेकंड बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड को हमेशा सिंगल बॉन्ड बना हुआ है लेकिन वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, लेकिन जो अगर
दो एटम्स के बीच नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है वो पाई बॉन्ड कहलाएगा, और उससे नेक्स्ट जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है वो भी पाई बॉन्ड ही कहलाएगा। ठीक है, सपोज कार्बन और कार्बन के बीच फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो ये पाई बॉन्ड होएगा। एग्जैक्टली। अगर ये डबल बॉन्ड बन रहा है ना, तो देखो हमने कहा पहला बॉन्ड जो भी बनेगा ना वो कहलाएगा सिग्मा। ठीक है, पहला वाला क्या कहलाएगा? सिग्मा। उससे अगला वाला जो भी बनेगा वो क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड। यस मैम। चाहे कार्बन का नाइट्रोजन के साथ भी तीन बॉन्ड्स है ना, तो पहला वाला देखो क्या कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड। उससे अगला वाला पाई बॉन्ड, उससे अगला वाला भी पाई बॉन्ड। यस मैम। क्लियर? यस मैम। अच्छा, दूसरी बात उनने यहाँ पे क्या की है, उनने बात किया अबाउट द साइड वाइज ओवरलैप। समझाने की जरूरत है? नो मैम। ठीक है। अच्छा, उससे पॉइंट आ जाते हैं हाफ फिल्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो भी नहीं समझाने की जरूरत। नो मैम। इनके एक्सिस क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पे देखो ये पैरेलल खड़े हैं ना एक दूसरे के, इनके बीच एंगल क्या है बन रहा है? जीरो यस डिग्री मैम। का। यस मैम। ओके, तो ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट पढ़ो। और एक और बात, इन दी फॉर्म। एक मिनट एक मिनट, यस मैम। सिग्मा बॉन्ड जब आपको आए ना तो आपको पता होना चाहिए एस एस ऑर्बिटल्स के बीच फॉर्म हो सकता है, एस पी ऑर्बिटल के बीच, पी एक्स के बीच, पी एक्स पी वाई के बीच, इस तरह ना, और पी एक्स पी जेड के बीच, इस तरीके से फॉर्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली आप ये तीन लिख लो, ओके एस 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 पी एंड पी एक्स पी एक्स। ओके क्लियर? मैम। ये और ये आपको यहाँ पे स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है इनके लिए। और जो पाई बॉन्ड है वो ओके हमेशा पी ऑर्बिटल्स, पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही रहेंगे, क्योंकि सिर्फ वही साइड वाइज ओवरलैप दे सकते हैं। अब आप मुझे बताओ एस वाले के अंदर कोई ऐसा है स्ट्रक्चर? एस वाले के लिए तो ये सारी शेप एक जैसी है ना, लेकिन पी वाले का एक हेड यस बन रहा है और एक साइड बन रही है, राइट? यस मैम। एस वाले का सारी जगह हेड है। क्लियर? यस मैम। ईमान सही से समझ आई है ना? मैम ये एस और पी वाले का नहीं समझ आ रहा। तो आप पूछो ना, यस मैम क्यों कह रहे हो? जैसे मैंने अभी समझाया था कि मैम देखो सुनो, पाई बॉन्ड में क्या होगा? साइड वाइज ओवरलैप होगी, साइडें एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी। ओके, ये जो कोने हैं ये साइड्स हैं, यस मैम। ठीक है, हेड ओवरलैप नहीं करेंगे। यस मैम। यस मैम। क्लियर? अब देखो पी वाला जो ऑर्बिटल है जिसकी यस शेप मैम। यू है, चाहे वो पी एक्स है, पी वाई है, पी जी है, कोई भी है, उनकी शेप ये है, उनके उनके पास साइड्स हैं, यस मैम। तो वो साइड वाइज ओवरलैप दे सकते हैं, राइट? यस मैम। लेकिन एस वाला एक बॉल की शेप में है। अब मुझे बताओ बॉल के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो हेड कौन सा है और साइड कौन सी है? नो। देयरफॉर एस वाला आपको पाई बॉन्ड नहीं बना के दे सकता, ना ही ये साइड वाइज ओवरलैप कर सकता है। ओके मैम। समझ आ गई ना बात की? ओके, यस मैम। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ नेक्स्ट उसकी तरफ, पॉइंट्स की तरफ। In the formation of pi bond, the two overlapping p orbitals must be coplanar and their axis must be parallel. The electron density in the bond is unsymmetrical around the bond axis. The probability of finding the electron is maximum in the region above and below the lines joining the two nuclei. The overlap of p orbitals in pi bond formation is not as good as in sigma bond. Pi bond is weaker than a sigma bond. One or two pi bond can form between any two atoms already bonded covalently. Pi bond is formed by sidewise or lateral overlap between two p orbitals which have their loops perpendicular to the molecular axis. The sidewise overlap is not too efficient, so result is a weak bond. That's why sigma bond is always stronger than a pi bond. ओके अच्छा, अब आज उन्होंने पाई बॉन्ड में आपको क्या बताया कि दोनों ही जो आपके होने चाहिए ना, जो
हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें, वो एक दूसरे के साथ को प्लेनर होना चाहिए। यानी देखो, इसका भी प्लेन ये है, इसका भी प्लेन ये है। ऐसा नहीं हो सकता एक इस तरह से हो और दूसरा इस तरीके से लेटा हुआ लेफ्ट हो, या इस तरीके से लेटा हुआ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये आके इसके साथ कैसे ओवरलैप करेगा, नहीं है कर ना? सकता। इसका तो हेड है और यस इसकी साइड्स लगी हुई है इनकी तरफ, ठीक यस है? तो साइड और हेड तो ओवरलैप कर ही नहीं सकते। साइड को साइड के साथ ही ओवरलैप करना है और हेड को हेड के साथ ही ओवरलैप करना है। ओके, तो दे शुड बी कोप्लेनर, ये बात समझ आ गई? यस मैम। एंड दे शुड बी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ओके, ओके मैम। अच्छा अब देखो ईमान, बात ये है कि इनके केस में, इन केस ऑफ दीज पाई बॉन्ड्स, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस होती है। बॉन्ड एक्सिस ये है ना, ये देखो ये न्यूक्लियस है, यस ये मैम। न्यूक्लियस है, दिस इज द बॉन्ड एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? यस अबव मैम। एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस है, राइट? यस मैम। तो जो प्रोबेबिलिटी यस ऑफ मैम। फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स है विद इन द बॉन्ड एक्सिस वो जीरो है, लेकिन अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस वो मैक्सिमम है। हम इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड एक्सिस पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। इसी तरह यहां पर ये जो बॉन्ड है ये एक वीक बॉन्ड है, ठीक है? जो पाई बॉन्ड है यस मैम। वो आपका एक वीक बॉन्ड है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में ओके। समझाती हूँ कि दैट ये जो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है वो क्यों एक दूसरे, एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक बॉन्ड है, ओके मैम। ठीक है? अभी आप ये देख लो कि अगर आपको कंपैरिजन आ जाता है ना बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड, तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या है? फर्स्ट एवर बॉन्ड है, लेकिन जो यस मैम। पाई बॉन्ड है वो क्या है? वो फर्स्ट एवर बॉन्ड नहीं है, वो सेकेंड या थर्ड बॉन्ड है। यस मैम। सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैप होती है, ये आपका सेकेंड पॉइंट बन गया। पाई में क्या होती है? मैम इसकी साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज वेरी गुड, ओवरलैप होती है। साइड वाइज ओवरलैप होती है, ये आपका सेकेंड पॉइंट बन गया। फिर आप यहाँ पे आ जाओ कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो अराउंड द बॉन्ड सिग्मा। एक्सिस होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस है, यस राइट? मैम। इसी तरह जो वो है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की एबिलिटी, वो है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई है यहाँ पर इन द सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर क्या है? अबव एंड बिलो द टू न्यूक्लियाई, यस मैम। है ना? यस मैम। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड्स, जबकि जितने भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं? पाई बॉन्ड्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यस मैम। क्लियर? यस मैम। इसकी एग्जांपल क्या है? एसएस ऑर्बिटल, एसपी ऑर्बिटल एंड पीएक्स पीएक्स ऑर्बिटल, जबकि इसकी क्या है? पीएक्स पीवाई पीजी, ये वाली। लेकिन उनके साइड्स हों, साइड्स। यस मैम। मैम एक्स एक्स भी होएगा ना। एक्स एक्स भी अगर वो यूं साइड पे खड़े हैं, यूं यूं देखो ये पी एक्स पी एक्स हो गए, ओके? यस ये मैम। हो गए पी वाई थोड़े टेढ़े, ये दूसरा पी वाई भी थोड़ा टेढ़ा, और ये हो गए पी जेड, एक यूं और दूसरा यूं, ओके मैम। ठीक है? यस ये आप मैम। ड्रॉ कर लेना ऐसे, जिस तरह ये ड्रॉ ओके किया है ना मैम। इस तरह ये भी। तो यूं आपको डिफरेंशिएशन के मैंने पांच छह पॉइंट्स बता दिए। यस मैम।